हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं IIBF के बारे में। सो गाइस, IIBF क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये एग्जाम देने से आपको किस यूनिवर्सिटी एंड किन किन कोर्सेज में एडमिशन मिलेंगे, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, हर एक चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गाइस यहाँ पे इस चैनल के थ्रू आपको IIBF की हर एक छोटी से छोटी अपडेट टाइम टू टाइम दी जाएगी। इसी के साथ और भी कई सारे एंट्रेंस एग्जाम है जिसके अपडेट्स आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दो, IIBF का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, और गाइस ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम है, यानी कि आप इंडिया में किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे गाइस आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस के कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं विद इन IIBF। अगर आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस में एडमिशन चाहिए बैंकिंग एंड फाइनेंस कोर्सेज में, तो उसके लिए आपको IIBF का एग्जाम क्लियर करके क्वालिफाई करना कंपलसरी मैंडेटरी, और ये एग्जाम खुद जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस से कंडक्ट ऑर्गेनाइज कराती है। अब गाइस इसके हाइलाइट्स तो हमने देख लिए, अब बात करते हैं इसकी डेट्स की। तो गाइस इसका जो आप लोगों का GARPFRR का जो एग्जाम है उसका एप्लीकेशन गाइस आप लोगों का यहाँ पे जो है जनवरी में रिलीज किया जाता है, एंड DRA का एग्जाम आप लोगों का इसका एप्लीकेशन जो है अप्रैल में रिलीज किया जाता है। ऑल्दो अभी तक ऑफिशियल अथॉरिटी के थ्रू एक्चुअल डेट्स अनाउंस नहीं की गई है, जैसे एक्चुअल डेट्स अनाउंस हो जाएगी हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे, एंड इस वीडियो में आप लोगों को हर एक इवेंट की डेट्स एक्सप्लेन करके नोटिफाई कर दी जाएगी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। तो गाइस आप लोगों का एप्लीकेशन का प्रोसेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, कोई भी गड़बड़ करते हैं, कोई भी मिस्टेक करते हैं, कोई भी इनवैलिडिटी एंटर करते हैं, तो आपका एप्लीकेशन डायरेक्टली रिजेक्ट हो सकता है, मे बी एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही ना हो। क्या करना होगा एप्लीकेशन रिजेक्ट में, उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे, लेकिन उसके पहले ये देखते हैं कि एक्चुअल में एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। तो गाइस सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पे जो है ऑफिशियल वेबसाइट जाकर रजिस्टर करना होगा। After registration, you have to enter all your personal details like your name, email address, mobile number, date of birth, communication address. Then आपको parents details enter करनी है, फिर education qualification, academic details enter करनी है, फिर photograph, signature, documents scan करके upload करना है, and last में आपको application fee pay करनी होगी। Application fee यहाँ पे primary attempt के लिए 3200 है, और second attempt के लिए गाइस यहाँ पे 800 rupees application fee रहेगी। तो ये पूरा process आप properly follow करते हैं तो well and good application submit हो जाएगा। लेकिन इसमें आपने कुछ भी गड़बड़ की, mistake किया, कुछ invalid details enter की, तो आपका application directly reject भी हो सकता है, application में भी accepting हो। क्या करना होगा इसका सॉल्यूशन क्या है कि आपसे कोई गलती ना हो, तो क्या इसके लिए आप लोग सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही IIBF के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, एंड उस वीडियो में आप लोगों को लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बताया जाएगा फ्रॉम स्टेप वन, यानी कि आपका नाम एंटर करने से लेकर टिल फाइनल सबमिशन, एप्लीकेशन फी तक इवन आपको पे करके बताया जाएगा। तो मेक श्योर कीजिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया ताकि आपको कोई भी परेशानी दिक्कत ना हो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में। बात की जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो गाइस यहाँ पे आप लोगों के पास बैचलर्स डिग्री रहनी चाहिए, फिर चाहे वो आर्ट्स में हो, साइंस में, या इंजीनियरिंग या कॉमर्स, किसी में भी चलेगा। अगर फाइनल ईयर में हो ग्रेजुएशन के तो भी आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। अब गाइस नेक्स्ट बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। तो आप लोगों का जो एग्जाम है इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा, 2 आवर्स का ड्यूरेशन दिया जाएगा पेपर कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे गलत आंसर देने पे आप लोगों को जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगी, एंड सारे के सारे क्वेश्चन MCQ टाइप रहेंगे। टोटल 120 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब कैसे, अगर आपको इसका सिलेबस जानना है, क्वेश्चन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जानना है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करेंगे आपके एडमिट कार्ड की। तो गाइस एडमिट कार्ड में आपकी बेसिक सी डिटेल्स रहती है, लाइक फोटोग्राफ, सिग्नेचर, सब्जेक्ट्स, टाइमिंग, एग्जाम के रिगार्डिंग क्वेश्चन, ये सारी डिटेल्स दी हुई रहती है। बट प्रॉब्लम ये रहती है कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चल पाता कि यहाँ पे एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है या किस लिंक से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो गाइस आप लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं, इसलिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे अगेन मैं रिपीट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे एडमिट कार्ड रिलीज होगा हम वीडियो बनाएंगे, वीडियो में लाइव एडमिट कार्ड डाउनलोड करके बताया जाएगा, एंड सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है, एंड दैट्स इट, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। सेम एज इट इज फॉर रिजल्ट एंड काउंसलिंग एंड अदर प्रोसेस। सो नाउ आई होप आप लोग को यहाँ पे जो गाइस कोई भी डाउट नहीं होगा, इनकेस कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।